ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप सुनो। देखिए, 6,22,521 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल कैसे करें? भाग विधि से दोस्तों, जिस संख्या का गुणनखंड विधि से नहीं होता है उसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि एक ऐसी विधि जो सभी किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों निकालते हैं भाग विधि से 6,22,521 का भाग विधि से वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के दोस्तों पहले इकाई तरफ से दो दो का जोड़ा बनाते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा, फिर इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा। अब दोस्तों ऐसी एक वर्ग संख्या रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग दो दूनी चार होता है, तीन का वर्ग तीन तिया नौ होता है, चार का वर्ग 16 होता है, 10 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 864 होता है, 9 का वर्ग 99 81 होता है, और 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब अपने दोस्तों ये देखना है कि 62 है, किस वर्ग संख्या के पास है 62। दोस्तों ये 64 आ रहा है, 8 से 64 बन रहा है, तो 64 तो ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं ले सकते हैं, तो 7 अपन ले सकते हैं, यानी कि 7 7 49। तो 7 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, और 7 7 कितना हुआ 49, ये यहाँ लिख दिया। अब घटाया तो 12 में से 9 गए तो 9 3 12, 6 में से 4 गए तो 1 बचे। अब इनको जोड़ देंगे 7 7 14, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे, और इतनी जगह छोड़ के लिखेंगे। अगला एक स्टेप और उतार लिए अपने, 2 पे 5 25 और उतार लिए। अब दोस्तों 25 है, अब किस संख्या से जा रहा है? देखो 3 4 4 1 4 बहुत 13 से बहुत कम पड़ते हैं, 5 6 7 8 9 8 से लगा के देखते हैं, 8 64 का 4 अंशिला 6 8 4 32 नीचे 38 का 8 अंशिला 3 8 3 11, 8 से कम पड़ते हैं, 9 से देखते हैं 99 81, 10 से ज़्यादा होता थे 99 81, 9 यहाँ लगा देते हैं 81, देखो 81 गए कहाँ से लाया 8 9 4 36 36 और 8 44 का 4 सिला 4 9 1 9 4 13 देखो 900 तो 1341 1325 ज़्यादा बन रहे, तो दोस्तों ज़्यादा नहीं ले सकते, बोलो 8 से लेंगे फिर 8, तो यहाँ पे भी 8 रख देंगे। अब 8 से क्या आएगा दोस्तों, ये संख्या तो माइनस हो गई, गलत हो गई, 8 64 का 4 आया, हाँ सिलाया 6 8 4 32 6 38 का 8 हाँ सिलाया 3 8 का 8 3 11, अब घटेगा तो 5 में 4 गया तो 1 बच्चा, और 12 में से 8 गए तो 4 बच्चे, 2 में से 1 गया तो 1 बच्चा, और कट्टस 8 8 16 का 6 यहाँ सिला 1 4 1 5 और 1। अब ऊपर से होता है दोस्तों 21, अब 21 तो दोस्तों यहाँ पे 21 के वर्ग में आ रहा है, 1 के वर्ग में आ रहा तो 1 से तो जा ही नहीं रहा, अब पूरा जाएगा ये, अब क्या होगा पूरे अंक उतर गए तो पूरा जाएगा, तो इसलिए 1 से तो नहीं जा रहा, फिर 1 काय में है, 81 में 1 है, 81 में 9 से लगा के देख लेते, देखें क्योंकि इससे नहीं जाएगा तो 9 से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ है देखो, तो 99 81 का 1 हाँ सिला 8 9 6 54 54 और 8 8 4 12 का 2 हाँ सिला 1 5 6 62 62 का 2 आ गया हाँ सिला 6 आ गया, फिर 9 5 45 और 6 45 और 6 51 का 1 आ गया, 5 बचे, 9 1 9 9 5 14, ये पूरी संख्या वैसे वैसे आ गई, तो 9 9 18 का 8 हाँ सिला 1 6 1 7 5 और 1, और इस 9 को अपनों ने यहाँ पे भी रख दिया, घटाया तो 1 1 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सब 0 हो गया। तो दोस्तों हर बार
उसका वहाँ का डबल यहाँ आता जाएगा और जब शून्य हो जाए तो अपना उत्तर आ जाते हैं 789। कितने आंसर आ रहे हैं? 789। सी ऑप्शन अपने मैच कर गया। तो इस तरह से भाग विधि से अपन वर्गमूल बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गुणनखंड विधि से नहीं होते हैं। भाग विधि से सभी संख्याओं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। थैंक यू दोस्तों।